MS Excel 2016 के इस अध्याय में होम टैब में नंबर ब्लॉक के तहत आज आप सीखेंगे नंबर्स, डेट और टाइम आदि का फॉर्मेट बदलना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें और नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ हमने कुछ कॉलम्स बना रखे हैं, जैसे कि डेट, टाइम, करेंसी इत्यादि। सबसे पहले हम आपको करेंसी वाले कॉलम का फॉर्मेट चेंज करके बताते हैं। इसके लिए हम वो सेल या वो सभी सेल सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर हमें चेंजेस करना है। यहाँ पर डाउनवर्ड एरो पर क्लिक करें। इसमें देखिए कई सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें से एक ऑप्शन है करेंसी। इस पर क्लिक करें। करेंसी पर क्लिक करते ही यहाँ आप देख सकते हैं जो सिंबल है वो डॉलर का है। जैसे ही हम ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमने जो कॉलम सिलेक्ट किया है उसमें सारी वैल्यूज के आगे डॉलर का सिंबल आ जाएगा। पर अगर हमको सिंबल चेंज करना है तो इस बॉक्स में आगे जो डाउनवर्ड एरो है उस पर क्लिक करेंगे। अगर हमको रुपए का सिंबल चाहिए तो यहाँ से हम रुपए का सिंबल चुन लेंगे और फिर ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए जो वैल्यूज थी उनका फॉर्मेट चेंज हो गया है। इसको वापस नॉर्मल करने के लिए हम इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे और ये जहां पर बॉक्स में करेंसी लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जनरल पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए सारी वैल्यूज वापस नॉर्मल हो गई हैं। अब जैसे आपको वैल्यूज में कॉमा देना है तो उसके लिए हम इसको सिलेक्ट करके और कॉमा स्टाइल पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए जो नंबर फॉर्मेट है ये चेंज होकर के कॉमा स्टाइल में आ गया है। साथ ही इसमें डेसिमल लगने के बाद आगे दो जीरो भी आ गए हैं। अब अगर आपको वैल्यू में डेसिमल ऐड करना हो तो उसके लिए फिर इनको सिलेक्ट करके इंक्रीज डेसिमल पर क्लिक करें तो ये देखिए डेसिमल लगने के बाद एक जीरो आया है। अगर आप इसको इंक्रीज करना चाहते हैं यानी डेसिमल के बाद जो नंबर है उसको आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करते जाएं। जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार ये जीरोस बढ़ते जाएंगे। अगर आपको डेसिमल के बाद के जीरोस कम करना है या डेसिमल हटाना है तो आप डिक्रीज डेसिमल पर क्लिक करते जाएं। ये देखिए अभी जीरोस कम हो रहे हैं और क्लिक करने पे डेसिमल भी हट गया। इसी तरह टाइम का कॉलम सिलेक्ट करके यहाँ पर डाउनवर्ड एरो पर क्लिक करें। यहाँ हम टाइम कैटेगरी के सामने से टाइम के अलग अलग फॉर्मेट्स चुन सकते हैं। हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मेट चुन रहे हैं और अब ओके पर क्लिक करेंगे। ये देखिए टाइम का फॉर्मेट चेंज हो गया है। अब हम आपको यहाँ पर डेट का फॉर्मेट चेंज करके बता रहे हैं। इसमें महीना पहले है, फिर डेट है और फिर ईयर है। ये डेट वाला कॉलम सिलेक्ट करने के बाद अब हम प्रेस करेंगे कंट्रोल 1। चूंकि हमने डेट का कॉलम सिलेक्ट किया था तो देखिए इसमें भी वही सिलेक्टेड है। यहाँ आपको नीचे की तरफ कस्टम ऑप्शंस दिख रहा होगा, इसकी सहायता से आप अपने अनुसार फॉर्मेट बना सकते हैं। उसके लिए पहले कस्टम पर क्लिक करें। अब यहाँ पर टाइप के नीचे दिख रहे सेक्शन में हम डेट के दो डिजिट के लिए DD टाइप करेंगे, फिर हाइफन लगाकर मंथ के लिए MM लिखेंगे और फिर हाइफन लगाकर पूरे ईयर के लिए 4Y टाइप करेंगे। ये देखिए ये हमने अपना फॉर्मेट टाइप कर लिया है। अब ओके पर क्लिक करेंगे। ये डेट कॉलम में जो डेट्स थी वो हमारे फॉर्मेट के अनुसार चेंज हो गई है। MS Excel 2016 के इस अध्याय में होम टैब में नंबर ब्लॉक के अंतर्गत आज आपने नंबर्स, डेट और टाइम इत्यादि का फॉर्मेट बदलना सीखा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें,
अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें और नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।